हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और ये वीडियो का टाइटल और थंबनेल वगैरह देख के आपको पता चल गया होगा कि मैं नया डॉग लेने आ रहा हूँ। और अभी मैं हूँ एक मेरे दोस्त उर्फ कुत्ते के साथ, जोंटी और आदित्य डवास और पीछे आंटी। तो हाँ, अभी हम जा रहे हैं डॉग लेने। अभी मैं रेड लाइट पर रुका हुआ हूँ, तो बाकी बातें आगे करते हैं क्योंकि ये वाला व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। अब लाइट भी होने वाली है, तो यस, वॉच द वीडियो टिल द एंड। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसका क्या नाम रखूं। और चुप हो जा। सो गाइस, अभी देखो ये गोद में बैठ चुका है। अभी हम इसका नाम वगैरह सोचेंगे। अब मैं सोच रहा हूँ सीधा घर जाके ही व्लॉग वगैरह करूँ, क्योंकि अब डिलीवरी वगैरह, तो हम सब कुछ सामान वगैरह ले लिया घर जाके, इसका केज वगैरह भी सेट करना है। तो अब डायरेक्ट मिलते हैं घर पे। आप देख सकते हो कितना ज्यादा क्यूट है और बहुत ज्यादा नाखून लग रही है मुझे इसके। और अभी हम घर आ चुके हैं और इसका सामान उधर रखा है, तो अब घर जाके इसका केज वगैरह सेट करते हैं। और इसके बारे में बहुत सारी बातें मैंने आपसे करनी है, ऊपर जाके करते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हो ये है इसका केज और कितना क्यूट है ये। अभी हम लोग इसका अभी रो रहे हैं ये, क्योंकि जहां से हम ये लाए हैं वहां पे ये दो तीन एक साथ होते थे, आप सबको पता ही होगा, फार्म्स वगैरह में। एंड अभी ये बेचारा अकेला हो चुका है, इसलिए दो तीन दिन दिक्कत देगा, पर बहुत ही ज्यादा क्यूट। ये देखो आप, इसे चुप हो, इसे मतलब बहुत ज्यादा अंदर से हो रहा है कि मैं बाहर आऊं केज से, क्योंकि फार्म के बाद डायरेक्ट ये अब इधर आया है, तो थोड़ा बहुत तो होता ही है और वो तकलीफ हमें दिख भी रही है। बट दो तीन दिन में जैसे मुझे पता चला है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये जॉन्टी, फ्लैश मत मार। सो गाइस, ये है इसका खाना, जो पहले दो महीने हमें ये देना होता है छोटे बीगल को, और इसमें देंगे तो ये दो चम्मच और दो चम्मच कर्ड का इस प्यारे सी की डाइट है। सो गाइस, अभी अभी नाम भी फाइनल हुआ है इसका, और हमने नाम सोचा है टफी। ये जॉन्टी और ये टफी। एंड गाइस, मैं आपको इस ट्रे के बारे में बताता हूँ जो नीचे लगी है। ये बहुत ही अच्छा जुगाड़ है, क्योंकि छोटे पप्पी को हम ज़्यादा 5 मिनट से ज़्यादा वॉक पे लेके भी नहीं जा सकते, तो इनका जो टॉयलेट वगैरह होता है ट्रे पे गिरेगा और डायरेक्ट ट्रे हम साफ कर सकते हैं। और कितना ज़्यादा क्यूट। गाइस, जो आपने लास्ट क्लिप देखी वो इसकी फर्स्ट मील थी मेरे घर पे, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। और मैं एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे अभी कोरोना का टाइम है, बट पपीज़ में, डॉग कैट्स में कोरोना वगैरह कुछ नहीं होता है, तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा, मैं तो बहुत क्यूट लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्यार हो गया इससे अभी से ही। सो यस, अभी से खाना खिलाया और अभी मैं पार्क में आ रखा हूँ इसको वॉक वगैरह कराने। 5 मिनट से ज़्यादा इसको भी अलाउड भी नहीं है। सो गाइस, इसे वॉक करवा लिए, बहुत ही परेशान कर रहा है बहुत ज़्यादा। कम ऑन Open up your dream. We were ordering some treats. You said it would be alright. I tried to stop you. So guys, अभी last clip के बाद ये 2 घंटे की बात है, अब 5 बज चुके हैं और अभी टफी पानी पी रहा है। इसका नाम कैसा लगा आप लोगों को टफी? ये मेरी मम्मा ने नाम रखा है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि नाम कैसा लग रहा है। और एक तो ये
जैसे आप लोगों को पता होगा पपीज को बाइटिंग की बड़ी आदत होती है। अभी नए नए दांत आए हैं मेरे, बहुत बार मेरी स्लीपर्स को बाइट कर रहा है, हर चीज़ को बाइट कर रहा है, बट अवॉइड करना चाहिए कि कोई कपड़े को बाइट ना करे। ओ अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। एंड गाइस एक और चीज़ जो मुझे रियलाइज हुई है कि डॉग से अटैचमेंट बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाती है। आई मीन अभी से 7-8 घंटे नहीं हुए हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट हो चुकी है। तो अब आगे आगे देखते हैं कि क्या क्या करते हैं, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। क्योंकि पहले 2 दिन तो पपीज़ बहुत ही ज़्यादा रोते हैं और ये भी बहुत ज़्यादा रो रहा है, बट ये जब इसे केज से बाहर निकालो तो इतना ज़्यादा खुश होता है, खेलता रहता है, बहुत ही ज़्यादा जॉयफुल है। बीगल डॉग की यही खासियत है कि ये बहुत ही ज़्यादा खेलते हैं। तो ये जैसे अभी भी घूम रहे हैं, दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग। और अभी 8:30 बजे हैं, टफी को बस खाना वगैरह खिला के अब मैं टेरिस पे लेके आया हूँ। जैसे आप सबको पता ही होगा कि जनता कर्फ्यू है और ये आज 21st of March है और नीचे अभी भी खेल रहा है, हद से ज़्यादा एक्टिव है, ये थका देता है घर वालों को, तो मुझे भी बहुत ही मज़ा आ रहा है अभी तक इसके साथ। तो इस व्लॉग को मैं सोच रहा हूँ यहीं पे रखता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही रो व्लॉग है, हद से ज़्यादा। बस एट अ मोमेंट प्लान बना कि आज लेके आना है तो हम ले आए, और ये देखो कैसे खेल रहा है काफी। सो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको टफी कैसा लगा। एंड यस, इफ़ यू गाइस लाइक दिस वीडियो then don't forget to subscribe to my channel and I will see you guys in the next video. till then bye bye, take care, ghar pe raho, jaise main bhi aaj pura din ghar pe rahunga, iske baad khelunga bahut।